नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। नो की सड़कों पर अब भय मिश्रित शांति है, मगर दंगों के निशान गहरे हैं। 31 जुलाई को जो कुछ हुआ वह पानी की लकीर नहीं जो हवा के झोंके के साथ सूख जाएगी, बल्कि यह दिलों के बीच खिंच चुकी पत्थर की ऐसी लकीर है जिसे मिटाने के लिए हिंदू मुसलमान दोनों को पहले इंसान बनना होगा। आज की खबर की शुरुआत में जलते हुए वाहनों व धुएं के गुब्बारे से नहीं करने जा रही हूं मैं, पहले आपको नू के नल्लड़ मंदिर परिसर के आसपास का वह माहौल दिखाना चाहती हूं जो सगुण धारा के भक्तों को नृत्य करने के लिए मजबूर कर देता है। उस दिन भी ऐसा ही माहौल था। गनीमत यह रही कि पथराव व आगजनी शुरू होने से पहले हजारों महिलाएं भक्ति भाव में झूम रही थी। कलश यात्रा में शामिल महिलाएं व किशोरियों को देखकर यह कहा ही नहीं जा सकता कि हिंदू समाज की महिलाएं दंगा करने की नीयत से नू पहुंची थी। अगर उन्हें पता होता तो वे अपनी और अपने बच्चों की जान जोखिम में नहीं डालती। एक बार ब्रेक लेकर आपको यह वीडियो दिखाना चाहती हूँ जिससे आपको नू के दंगों के शुरू होने से पहले भक्ति के रंग देखने को मिलेंगे। जुलाई को दंगों से पहले के वीडियो देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि हालात कितने शांतिप्रिय थे और महिलाएं किस तरह शोभा यात्रा निकाल रही थी, मगर यह सुखद दृश्य अधिक समय नहीं रहा। अब मेवात दंगों पर अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट जरूर करना चाहूंगी। माना कि भिवानी में दो मुस्लिम युवकों को जीप में जिंदा जलाने की घटना के बाद मोनू मानेसर के खिलाफ राजस्थान पुलिस ने मामला दर्ज किया हुआ था और मोनू ने मेवात के मुसलमानों को भड़काने के लिए ब्रजमंडल यात्रा से पहले अपने मेवात आने की सीखी बखारी। मगर जिस पैमाने पर आगजनी, गोलीबारी व हिंसा की गई वह कुछ घंटों की नहीं बल्कि दिनों की तैयारी लगती है। हम कोई जांच अधिकारी नहीं है, मगर छन छन कर बाहर आ रही खबरों के अनुसार मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी और उनके कुछ साथियों के बयान आग में पेट्रोल डालने वाले रहे। आपकी आंखों के सामने से जो बदरंग तस्वीरें निकल रही हैं उनके पीछे इस बयान की प्रतिक्रिया अवश्य है, मगर जिस तरह की हिंसात्मक प्रतिक्रिया आई है वह कानून के राज को ठेंगा दिखाने वाली है। माना मनोहर सरकार ने दंगों के पहले दिन राजधर्म नहीं निभाया, मगर मेवात के लोगों ने कौन सा कानून का काम कर दिया। तीर्थयात्रियों को मंदिर में घेर कर जिस तरह हमला किया गया, क्या वह आतंकी गतिविधि से कम था? यह तो गनीमत रही कि पुलिस फोर्स पहुंच गई। अगर कुछ और देरी होती तो अंधेरा होने का इंतजार कर रहे पहाड़ियों व खेतों में छुपे दंगाई कुछ भी कर सकते थे। यह सोचकर ही रूह कांप उठती है कि अगर पुलिस को आधा घंटा और देरी होती तो हिंदू समुदाय के कितने लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती, और अगर ऐसा होता तो हरियाणा ही नहीं देश में क्या कुछ हो सकता था। तस्वीर का यह छुपा हुआ शाह रंग देखकर इन दंगों की गहराई से जांच जरूरी है। कांग्रेस के विधायक मामन सिंह ने पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा में मोनू को लेकर प्याज फोड़ने जैसी उत्तेजक बातें कही थी। वह भिवानी में जिंदा जलाए गए दो युवकों की हत्या से पैदा गुस्से की प्रतिक्रिया थी और मोनू मानेसर का चिढ़ाने वाला बयान भी नू में प्रतिक्रिया को जन्म देने वाला था। विभिन्न चैनलों पर मोनू अब भी जो कुछ कह रहा है उससे लगता नहीं कि उसे अपनी किसी बयान का पछतावा है।
कानून के राज का मतलब है मोनू को कानून की चौखट तक पहुंचाना और अपराध किया या नहीं का फैसला अदालत पर छोड़ देना। इसी तरह पिछले 3-4 दिन में जिन्होंने पत्थरबाजी, गोलीबारी और हिंसा की है उन्हें भी सजा दिलवाना। मुझे एक जरूरी बात भी कहनी है, विश्व हिंदू परिषद व इससे जुड़ी जो भी संस्थाएं लोगों को तीर्थ यात्रा में लेकर गई थी उनकी जिम्मेदारी बहुत अधिक होनी चाहिए। आरएसएस के स्वयंसेवक होने का एक मतलब होता है, इसका मतलब होता है अनुशासित सिपाही। मगर जब बाइकों पर 3-3, 4-4 लोगों की टोलियां चलेंगी, सड़कों पर उद्दंडता दिखाई जाएगी, अभद्र कमेंट कसे जाएंगे, वाहनों की छतों और सीढ़ियों पर लटक कर मोटर वाहन कानून तोड़े जाएंगे और जुबानी कुछ कहने की बजाय बॉडी लैंग्वेज से चिढ़ाने वाले इशारे किए जाएंगे, तो फिर सबसे बड़े संगठन की छवि को ही नुकसान पहुंचेगा। खैर, अब समय अतीत की कड़वाहट भूलकर राष्ट्र निर्माण में जुटने का है। इसके लिए दंगों की काली छाया से आगे अपनी माटी के गौरव की ओर देखना होगा। माँ भारती, हरियाणा मेरा, मैं हरियाणा का रहने वाला भारतीय, मेरी जात, मेरा मजहब, सब पीछे, राष्ट्र प्रथम। धन्यवाद।